हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिट्स विला के अगले प्रोमो के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कल जो टास्क हुआ था उसमें दो आइडियल मैचेस जो हार गए थे वो आज परफॉर्म करने वाले थे। तो कल एडी कशिश को और आकृति जसवंत को किसी ने चूज नहीं किया था तो वो आज परफॉर्म करने वाले थे। ये तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया ही था। तो आकृति जसवंत ये लक्ष्य और अनिका के अगेंस्ट परफॉर्म करने वाले थे और एडी कशिश ये दिग्विजय नायरा के अगेंस्ट परफॉर्म करने वाले थे। तो आज के टास्क के विनर कौन होने वाले हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था। तो आकृति जसवंत और अनिका लक्ष्य में से जो विनर थे वो थे आकृति और जसवंत, और दिग्विजय नायरा और एडी कशिश में से जो विनर थे वो थे दिग्विजय नायरा। इसी के साथ बात की जाए अगले प्रोमो की, तो अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि फैजू और जन्नत स्प्लिट्स विला में आएंगे। इसी के साथ आगे आपको देखने को मिलेगा कि आकृति आज का टास्क जीत गई है तो उसके पास पावर आ गई है, तो अनिका और आकृति के बीच आगे आपको फाइट्स देखने को मिलेगी। उसी टाइम आकृति शिवेत को बोलेगी, पहले भी तुझे डंप किया था, आगे अगर चांस मिला तो फिर से तुझे डंप करूंगी। और आने वाले अगले डूम में सनी आइडियल मैचेस को कहेगी कि वो अपने कनेक्शन को चूज कर सकते हैं या फिर पावर को चूज कर सकते हैं, मतलब कि आगे आइडियल मैचेस की पावर जा सकती है अगर वो अपने कनेक्शन को चूज करते हैं। तो आगे आपको बहुत से कनेक्शन चेंज होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आने वाले डोम में आपको लक्ष्य और देवकरण की फाइट्स देखने को मिलेगी, तभी दिग्विजय लक्ष्य का स्टैंड लेते हुए आगे आपको डोम में दिखाई देंगे। इसी के साथ आगे आपको डोम में देखने को मिलेगा कि सिवेत अनिका को अपने फीलिंग्स शेयर करते हुए दिखाई देंगे, और सिवेत अनिका को कहेंगे कि मैं तुझे खुश रख पाऊंगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर तेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और अनिकेत भी डिकिला को शादी के लिए प्रपोज करते हुए अगले एपिसोड में आपको दिखाई देने वाले हैं। अब आज का टास्क आकृति जसवंत ये जीत गए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले अगले डोम में आपको देखने को मिले कि आकृति जसवंत ये ओरेकल के सामने आइडियल मैच के लिए जाएं। और अगले एलिमिनेशन की बात की जाए तो हो सकता है कि आगे आपको देवकरण का एलिमिनेशन देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।